हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिक विक। आज आपके साथ हम एक और क्रिकेटर के साथ थे और उनके उनसे जो है हम उनके करियर की बात करेंगे, कुछ क्रिकेट की बात करेंगे, ऑब्वियसली उनके करियर के रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स और नंबर्स की भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के क्रिकेटर सुहेब मकसूद, जो कि पाकिस्तान के लिए 26 वनडे इंटरनेशनल्स और 20 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं। सुहेब, वेलकम टू दिस शो। सबसे पहले बताइएगा कि आपकी क्या रूटीन है आजकल, और अब PSL भी स्टार्ट होने वाला, आई थिंक आपका काफी फोकस जो है वो मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर होगा। अस्सलाम वालेकुम आदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल, आजकल थोड़ी सी रूटीन ऑब्वियसली काफ़ी टफ है कोविड की वजह से। ग्राउंड वगैरह क्लोज हैं, जिम वगैरह क्लोज है, लेकिन कोशिश होती है कि कहीं प्राइवेट जगह पे किसी एक आधे बंदे को ले जाकर प्रैक्टिस कर ली जाए, जो अवेलेबल पार्क में ट्रेनिंग की कर ली जाए। तो काफ़ी फोकस है, काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं हम सब क्रिकेटर्स PSL। अच्छा सुहेब, अभी आपकी रिसेंट अगर हम फॉर्म की बात करें, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान कप में परफॉर्म किया उसमें भी आपकी 2 सेंचुरीज थी, और सिंस 2020 नेशनल T20 टूर्नामेंट भी हुआ, PSL में भी जो कुछ मैचेस हुए, तो थोड़ा सा डिफरेंट इस बार आपकी फॉर्म नजर आ रही है कंपेयर टू द प्रीवियस सीजन। तो बताएं कि ये जो थोड़ा चेंज आया है, ये क्या मतलब की तब्दीली थी जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी जो फॉर्म है वो किसी हद तक वापस आई है? आई थिंक कभी ऐसा होता है कि इंसान खेल रहा होता है, बड़ा प्रेशर अपने ऊपर उसने लिया होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती कि मुझे प्रूव करना है या मुझे नेशनल टीम की सिलेक्शन में दोबारा आना है, मुझे लोगों को प्रूव करना है दैट्स हाउ गुड आई एम। बट आई थिंक वो चीज़ मैंने माइंड से निकाली और बस यही चीज़ सोचा कि पहले ही ऑलरेडी मैं अग्रेसिव खेलता हूँ, कोशिश की कि और ज़्यादा अग्रेसिव खेलूँ, ताकि जो मेरा फोकस यही था नेशनल T20 में, कि लास्ट ईयर में PSL में पिक नहीं हुआ था, कि कुछ ऐसा इम्प्रेशन ज़रूर छोड़ूँ कि फ्रेंचाइजेज सोचने पर मजबूर हो। तो मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने उसका फल दिया, अच्छा नेशनल T20 गया, उसके बाद अच्छा पाकिस्तान कप गया, PSL में भी फॉर्म अच्छी थी, अनफॉर्चुनेटली PSL दरमियान में बंद हो गई। तो सुहेब, अब PSL जो है वो अबू धाबी में होगी, ऑब्वियसली आपका आपकी काफ़ी वहाँ पे अच्छी यादें हैं, आपका डेब्यू वहाँ पे हुआ था अबू धाबी में और आपने पहले ही मैच में 50 भी की थी। तो ये बताएं कि PSL अबू धाबी जाने से आप समझते हैं कि मुल्तान को फायदा होगा या आप समझते हैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा? आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है शायद थोड़ा एडवांटेज हो जाए, बिकॉज हम लोग ज़्यादा अपनी बॉलिंग की वजह से लैग कर रहे थे ड्यूरिंग पाकिस्तान में जो PSL हो रही थी, और कराची में इतनी स्पिनर्स को हेल्प मिल नहीं रही थी, पिचेस फ्लैट थी और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे थे। अबू धाबी हालांकि दुबई की नस्बत उधर स्पिन कम होता है, बैटिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा साजगार होती है अबू धाबी में, लेकिन फिर भी बड़ा ग्राउंड है, आई थिंक स्पिनर्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमारे पास काफ़ी क्वालिटी 3 रिस्ट स्पिनर है, तो आई थिंक वो काफ़ी एडवांटेज देंगे आई थिंक। बट डिपेंड करता है, हम 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते हुए, तो अब हारने की गुंजाइश रह नहीं गई, एटलीस्ट मिनिमम भी हमें 4 मैच जीतने, अगर वी हैव टू गिव आवर सेल्फ चांस कि हम आगे क्वालिफाई करें। आई थिंक देखा जाए तो आई थिंक उस टाइम पे अगर बंद हो गई थी, मोमेंटम काफ़ी ख़राब था टीम का, तो हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट टीम के लिए अच्छा साबित हो। अच्छा सुहेब, आपने स्पिन की बात की कि ऑब्वियसली मुल्तान के पास काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं, उस्मान कादिर भी हैं, शाहिद आफरीदी भी हैं, आपका थोड़ा आपका जो करियर था वो भी एज ए स्पिनर स्टार्ट हुआ था, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अगर हम आपके फर्स्ट क्लास डेब्यू की बात करें तो आप उस पर नंबर 11 के ऊपर बैटिंग करने आए थे और उस टाइम आप शायद अपने आप को बॉलर समझते थे, तो ये कैसा एक कैसे जो है एक शिफ्ट आया कि आप बॉलर से जो है वो बैट्समैन बन गए? मैं तो समझता था या नहीं समझता था, आई थिंक मैं था ही बॉलर उस टाइम, तो इसलिए तो आपने जैसे स्टैट बताया कि फर्स्ट क्लास डेब्यू में 11वें नंबर पर बैटिंग करना है, आई थिंक वो एक अंडर 19 में पहले साल खेला था एज ए स्पिनर, तो मैंने काफ़ी आउट किए थे रीजनल टूर्नामेंट्स में, तो आई थिंक कोई सीनियर स्पिनर को इंजरी हुई थी तो मुझे शायद एक मैच खिलाया गया था लास्ट सीनियर टीम में, तो आई थिंक अंडर 19 के जितने भी 3 साल की क्रिकेट थी मैं एज ए बॉलर ही खेला था। उसके बाद कैरियर में थोड़ा ऐसा आया था कि बैक के जो मोरे होते हैं उनका इशू मुझे हो गया था, जिसकी वजह से मैं ईयर एंड हाफ क्रिकेट मैंने छोड़ दी थी, और उसके बाद बॉलिंग तो बड़ा इम्पॉसिबल काम लगता था, लेकिन क्रिकेट का शौक इतना था तो क्लब में जाते थे सोचते थे चलो बॉलिंग नहीं तो बैटिंग ही सही, तो उस तरह बैटिंग का शौक तो शुरू से ही होता है। आई थिंक आप किसी भी बॉलर से भी पूछ लें पाकिस्तान टीम में या डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर बॉलर को बैटिंग का शौक ज़रूर होता है, तो उसी तरह शौक था, बस नेचुरल टैलेंट भी था, तो फिर उसको बैटिंग में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अच्छा स्वयं मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि आप बैट्समैन बन गए
और आपको कुछ फिटनेस इश्यूज भी थे, तो ये 2015 वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि आप टीम में जगह नहीं बना सके, तो क्या उसका भी कोई ताल्लुक आपकी फिटनेस से था? क्योंकि आई थिंक 2015 वर्ल्ड कप के दौरान ही शायद आपको कुछ रिस्ट इश्यूज थे, जिसके बाद जो बांग्लादेश का टूर था वो आपने मिस किया था। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं 2014 में मुझे रिस्ट का इशू हुआ था, जो ए टीम की सीरीज हमारी यूएई से हो रही थी उसमें मुझे हुआ था, जिसकी वजह से मैं तीन से चार महीने अपने नेशनल एकेडमी में उसका रिहैब करता रहा और काफ़ी हद तक रिकवर कर गया। फिर मैं पाकिस्तान कप खेला जाके, उसमें मैंने एक सेंचुरी की एक ही मैच खेला था, फिर वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गई। और आई थिंक वर्ल्ड कप के दौरान ही थोड़ा बहुत इशू मुझे फील होता था कि लाइक कुछ ना कुछ आते प्रॉब्लम है। जैसे मैं वर्ल्ड कप से वापस आया, मैंने उसका स्कैन करवाया दोबारा, तो दो फ्रैक्चर थे अंदर बोन के अंदर, उसका कोई ट्रीटमेंट था नहीं। उसको मैं लिंगर ऑन कर सकता था, डॉक्टर्स ने कहा था, लेकिन उसका इन द एंड ऑफ द डे मुझे सर्जरी चाहिए थी, लेकिन वो मेरी बैटिंग काफ़ी उससे इफेक्ट हो रही थी। तो जो आप बता रहे हैं 2015 वर्ल्ड कप के बाद जो बांग्लादेश टूर था, उसमें मैं स्क्वाड में था, लेकिन जाने से 8 या 10 दिन पहले की बात है कि मैंने विड्रॉ कर लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर अ सर्जरी, बिकॉज उस तरह मैं अपने आप को लिंगर ऑन नहीं करना चाहता था। लेकिन वो आई थिंक वो बड़ा एक मेरे कैरियर का एक बड़ा मेन पॉइंट था। अगर वहाँ पे शायद, हमेशा मुझे लाइफ में बहुत इंजरीज हुई हैं, मुझे टेंडन एंकल का सर्जरी हुई, मुझे बैक का इशू बचपन से है, लेकिन आई थिंक उन्होंने मेरा कैरियर को शायद उस तरह ख़राब नहीं किया जितना रिस्ट इंजरी ने मुझे ख़राब किया। आई थिंक वो सर्जरी के बाद भी मुझे आप ये समझते हैं कि तकरीबन 2-3 साल आपको लगे इस फॉर्म में आने के लिए जो भी आपके रिसेंट सीजन में थी? नहीं, फॉर्म आई थिंक दरमियान में भी रही थी, दरमियान में पहले 2 साल जो मैं इंजरी के बाद खेला हूँ, आई डोंट थिंक जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे अभी भी अपने आप वैसा नहीं फील होता जैसे मैं 2015 से पहले मेरी ग्रिप थी हाथ की, जो मुझे फीलिंग आती थी, मुझे कोई दिमाग में डाउट्स नहीं होते थे, वो अभी आप कह लेंगे 90% रिकवर कर चुका हूँ, पेन नहीं होती मुझे, लेकिन उसका यह है कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बने रहता है। लेकिन जो पहले 2 साल मैं इंजरी के बाद खेला, उसमें मुझे पेन के साथ ही खेला था, बिकॉज वो कहा ऐसी इंजरी थी कि वो डॉक्टर कहते थे कि बाय द टाइम खेल खेल के ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगा, उसने मेरी बैटिंग को आई थिंक काफ़ी मुतासर किया। अच्छा सोहेब, अगर हम आपके वनडे करियर उसकी बात करें, आपने अपने डेब्यू के ऊपर 50 रन किए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एक वो बॉलिंग अटैक जिसमें कि डेल स्टेन भी थे, फिर उसके बाद सेकंड वनडे इंटरनेशनल में भी आपने 50 रन किए, और पाकिस्तान के सिर्फ 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने करियर के पहले 2 मैचेस में जो है वो 50 की। अगर स्टार्ट हम देखें शुरू के जो 10 मैचेस थे तो 40 की एवरेज थी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज जो है वो काफ़ी नीचे चली गई, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या इश्यूज, आई मीन फिटनेस के अलावा जो है वो क्या इश्यूज थे कि आप अपनी इनिशियल फॉर्म को जो है वो मेंटेन नहीं कर सके? मतलब भाई, मुझे जहाँ तक लगता है, हमेशा से, मैं पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज में बोलता रहा हूँ कि मुझे हमेशा पोर्ट्रे किया गया एक हार्ड हिटर के तौर पर, एक फिनिशर के तौर पर, विच आई वाज नेवर, मैं था ही नहीं वो, आई वाज ऑलवेज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। और जो आप पहले 250 रन भी बोल रहे हैं कि मैंने 50 रन किया, आई थिंक दोज वर द ओनली 2 इनिंग्स इन माय वन डे करियर वेयर आई बैटेड नंबर 3, उसके बाद मैं 4, 5, 6 या 7 ऐसे खेलता रहा। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक नए लड़के के लिए कि अगर वो आगे परफॉर्म करता है तो उसी नंबर पे, अब मुझे हमेशा, मेरी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी उठा के देखें, चाहे वो T20 क्रिकेट में हो, चाहे वो वन डे में हो, चाहे वो 4 डे क्रिकेट में हो, मेरी एवरेजेज, मेरी सेंचुरीज, मेरी मैच विनिंग आउट, तो सारे नंबर 3 पे ही थे। तो वो थोड़ा सा आई थिंक, और ऊपर से यूएई की कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल होता है 5-6 नंबर पे बैटिंग करना, स्पेशली फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है हमें कि जो 5 या 6 नंबर पे जो तेज़ खेलने वाले प्लेयर होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं टॉप ऑर्डर के तेज़ खेलने वाले प्लेयर से। उनकी रेंज ऑफ शॉट्स डिफरेंट होती है, उनकी खेलने का स्टाइल डिफरेंट होता है, जो सॉफ्ट बॉल के साथ टॉप ऑर्डर का बैट्समैन को नीचे आके हिटिंग करने में मुश्किल होती है। तो आई थिंक इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे अभी इवन हैदर अली को आपने देखा, वो PSL में उसने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए नीचे जाके खेलना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, लेकिन सोहेब, जो आपने बात की कि आप अपने वनडे क्रिकेट में सिर्फ जो पहले 2 वनडे थे वो आप नंबर 3 के ऊपर खेले, और उन दोनों में आपका 50 था, उसके बाद आप कभी दोबारा नंबर 3 पे नहीं गए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, मतलब कि जो बैट्समैन होता है वो क्या कोचेस से या जो आपके सिलेक्टर्स होते हैं उनसे इस तरह की डिस्कशन नहीं होती कि
मैं नंबर तीन के ऊपर खेलना प्रेफर करता हूँ या मैं नंबर तीन का बैट्समैन हूँ, मुझे यहाँ पे जो है वो खिलाया जाए। क्योंकि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि शुरू के दो वनडेज के बाद आप कभी भी नंबर तीन के ऊपर नहीं खेले जो आपके नेक्स्ट 24 ODIs थे। वो आपको हमारे कल्चर का पता है, मतलब भाई इट्स नॉट इजी फॉर अ न्यूकमर टू गो और मैनेजमेंट से बात करे या कोच से बात करे, कि उस टाइम पे ऐसा फील नहीं होता, आप फॉर्म में होते हैं, आपको लगता है कि आप किसी भी नंबर पे खेलोगे, एडजस्ट कर लोगे। उसमें मैं बिल्कुल उसको ब्लेम नहीं कर रहा कि मैं नंबर तीन पे नहीं खेला, तो आई थिंक नंबर चार पे भी मैं काफ़ी मैचेस खेला हूँ, नंबर पाँच पे भी खेला हूँ। मैं काफ़ी इनिंग्स मेरी ऐसी थी जो मैं बहुत बेहतर कर सकता था, जो मैं मिड थर्टीज़ में मिड फोर्टीज़ में आउट होता रहा। आई थिंक अगर मैं हमेशा से टीम प्लेयर था, टीम के लिए खेलता था, कोशिश करता था कि जो रिक्वायरमेंट है वैसे खेलूँ, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू कमर कि वो अपने आप को पहले प्रॉपर एडजस्ट करें इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। हमारे कल्चर में एक नया प्लेयर जब आते ही अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, अगर वो उसमें उस कामयाबी नहीं उसको उस तरह नहीं मिलती जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको मिली है, तो आई थिंक फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है और उसके अलावा वो ड्रॉप टीम से हो जाता है। आई थिंक ये एक प्रेशर है जो हमें नए लड़कों को देना चाहिए, कॉन्फिडेंस के अगर आप कहते हैं किसी को गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस यूर सेल्फ, देन ऐसे प्लेयर्स को जो आप समझते हैं कि अथॉरिटी वाले प्लेयर्स हैं, आई थिंक उनको आपको चांसेस भी बाकी प्लेयर्स से थोड़े ज़्यादा देने। सोहेब, आपने बात की कि आपको मतलब कि लोग ये समझते रहे कि आप एक फिनिशर हैं या एक लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, लेकिन अगर हम आपका रिकॉर्ड देखें नेशनल T20 में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके कि आपसे ज़्यादा छक्के हों, आपके 91 सिक्सेस हैं इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल T20, तो इन स्टैट्स से तो ये लगता है कि आप को जो है एज ए पावर हिटर जो है वो यूज किया जा सकता है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? वो बिल्कुल मतलब भाई अगर आप देखें तो अगर आप तो पावर प्ले में भी अगर जो स्ट्राइक रेट्स होंगे बैट्समैनों के उनमें भी मैं टॉप कुछ प्लेयर्स में होऊंगा, तो आई थिंक। लेकिन अभी जितनी भी मेरी नेशनल T20s में मैंने इनिंग्स खेली हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 91 या मैंने सुना था 100 भी होंगे शायद, लेकिन आपको बेहतर पता होगा, आप स्टैट्स के गुरु हैं, मुझे किसी ने मैं सिर्फ नेशनल T20 का कह रहा था, ओवरऑल तो ऑब्वियसली आपके 100 से ज्यादा है, मैं सिर्फ जो नेशनल T20s हुए हैं उसमें 91 उसके अगर आप वो 91 सिक्सेस उठा के देख लें, अगर आप स्टैट्स को क्लियर करें तो उनमें से मुझे नहीं पता लेकिन आई एम श्योर कि 70 से ऊपर छक्के ऐसे होंगे जो 15 ओवरों से पहले वाले छक्के होंगे। लेकिन इसी ये जो आपने बात की थी कि आप शुरू के ओवर्स में भी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, तो एक जो अभी इनिंग जेन में आती है रिसेंटली सदर्न पंजाब का जो मैच था जिसमें के तकरीबन 160 का टारगेट आपको 12.3 ओवर्स में चेज करना था टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, अभी रिसेंट जो हुआ था नेशनल T20, तो उसमें आप आए बैटिंग करने ऊपर और आपने 81 रन किए 29 बॉल्स के ऊपर, तो उस इनिंग्स के बारे में जरा बताइए कि क्या मतलब के आई थिंक वो पूरी जो T20 हिस्ट्री है इतनी मतलब कि इतनी लंबी इनिंग्स जो है कि 12 ओवर्स तक आपका जो रन रेट है वो क्या 12 और आई थिंक के 11वें ओवर में जो है वो सदर्न पंजाब ने उस टारगेट को चेस कर लिया था, तो इतने ओवर्स तक तकरीबन 15 का रन रेट मेंटेन करना, तो क्या डिस्कशन थी उस इनिंग से पहले विद इन टीम कैंप के क्या हम इसको चेस कर सकते हैं? आई थिंक ये क्रेडिट जाता है हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को ऑब्वियसली, कि हमने जो लास्ट टू मैचेस उस टूर्नामेंट में जीते थे दोनों को ही प्लान किया था कि हम क्या सिनेरियो है कि हम किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हमने उससे पिछला मैच हमारा सिंध से था तो उस मैच में जब हमने स्टैट्स निकाले थे तो हमें लग रहा था इट्स इम्पॉसिबल हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, और ऊपर से हमारी पहले बैटिंग भी आ गई थी। आपको पता है जब आप क्वालिफिकेशन में खेल रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं आप चेस करें, लेकिन हमारी पहले बैटिंग आ गई, हमारे ऊपर से 3-4 आउट हो गए थे, फिर हमने अच्छा स्कोर लगाया बोर्ड पर, लकीली हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग की, और वो हम 71 या 72 रन से हम लोग मैनेज कर गए वो मैच जीते। आई थिंक जब हम वो मैच जीते तो हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीव आया कि अगर हम इतनी बुरी कंडीशन से जब हम 30 पे 4 आउट हैं हम फिर अगर 70 रन से जीत जाते हैं तो वाई नॉट वी कैन विन अनदर गेम, और हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम अगर कोई इक्वेशन निकालेंगे तो कोई 30-40 रन का हमारा डिफरेंस आएगा, वी कैन डू। लेकिन जब वो मैच से पहले सिचुएशन निकली तो वो फिर यही निकली 80 रन या वट एवर द स्कोर वी हैव टू चेज इट डाउन इन 10-11 ओवर्स, तो आई थिंक ऊपर से थोड़ा आसान काम हमारे। अब 80-85 रन से जीतना तो आपको पता है T20 क्रिकेट में नियर टू इम्पॉसिबल है, ऊपर से थोड़ा काम हमारे लिए आसान कर दिया, बलोचिस्तान वालों ने उन्होंने टॉस जीत के हमें खुद खेल लिया, तो हमारा माइंड सेट यही था कि जो भी होगा हमें 8 ओवरों में भी करना होता, मतलब भाई हम ऑल आउट हो जाते
मगर ये था कि मैंने अपना हाथ खुद खड़ा किया था उस टीम मीटिंग में, मुझे याद है जब हम फील्डिंग करके आए थे उस वक्त मेरे ख्याल में खुशदिल शाह और जिशान अशरफ ओपन करने जा रहे थे उस मैच में, तो मैंने कप्तान के और कोच पे जाके कहा कि मुझे जाने दें प्लीज़, बिकॉज मेरा एक मेरी एक हिस्ट्री है कि इस तरह के मैचेस में मेरी परफॉर्मेंसेज हमेशा डोमेस्टिक में रही हैं। एक मुझे याद है बलूचिस्तान और पंजाब का मैच था क्वालिफिकेशन का पाकिस्तान कप में, हमें फाइनल के लिए में क्वालिफाई करने के लिए 38 ओवरों में 350 चेस करना था, तो उसमें भी मैंने आई थिंक 135-170 बॉल्स पे या कुछ ऐसे किया था, तो वो भी हम जीते थे। और इसके अलावा T20 में एक था 14 ओवरों में 150 करना था, वो भी उसमें भी मैं मैन ऑफ द मैच था, 80 मैंने स्कोर किया था अगेंस्ट इंडी। तो हिस्ट्री ऐसी थी कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह ताला ने मदद की, हो भी गया। सुहेब, अभी अगर हम पाकिस्तान की करंट टीम की बात करें तो ऐसा लगता है कि इवन दो कि आपके जो ओपनर्स हैं, हमारे जो ओपनर्स हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अभी भी लगता है कि काफ़ी जगह जो है वो खाली है। तो आप काफ़ी मतलब कि इस टाइम कीन होंगे कि अब जो PSL आ रही है उसमें आप दोबारा ये प्रूव करें कि आप एक बड़े लेवल पर भी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली आप टारगेट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की टीम में कमबैक हो। ऑब्वियसली आई थिंक मैंने आपको पहले बताया कि यह अभी माइंड में पिछले दो महीने से काफ़ी डिस्कशन चल रही मीडिया में भी कि सेफ होना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को दिमाग में नहीं सवार कर रहा। मेरी अभी फोकस है कि मैं जो PSL खेलने जा रहा हूँ उसमें जो मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट की थी उसको और इन्हांस करूँ, मुल्तान सुल्तान को मैचेज जिताऊँ। तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन होगी तो दैट्स द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी प्लेयर। सर, जिस तरह आपने बात की कि जो पावर हिटिंग है वो मुश्किल है, अगर आपका जो टॉप ऑर्डर है वो ज़्यादा रन नहीं कर रहा था, अगर आपके ऊपर प्रेशर है, तो ये आपने फिर ये भी बात की कि डोमेस्टिक में तो पॉसिबल है, इंटरनेशनल में पॉसिबल नहीं है, इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या वजह है कि जो इवन जो दुनिया के जो ग्रेट बैट्समैन भी हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, कि उनका अगर किसी लीग के अंदर 170-180 का स्ट्राइक रेट है या 200 का स्ट्राइक रेट है, पाकिस्तान नहीं, मैं पूरी दुनिया के बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, जब वही बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो उसका स्ट्राइक रेट 150 हो जाता है या 140 हो जाता है, तो ये डिफरेंस क्यों आता है? डिफरेंस ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, प्रेशर, ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह का प्रेशर नहीं होता, इंटरनेशनल प्रेशर होता है। दूसरा तथा तीसरा सबसे बड़ा जो वजह है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से प्लेयर्स वर्कआउट कर, बॉलर्स वर्कआउट बैट्समैन को, एक पर्टिकुलरली टीम को करके आते हैं, शायद उस तरह लीग में नहीं होता। अगर एक हर बैट्समैन के हिसाब से, ओवर्स के हिसाब से, जितने बॉल्स पड़े उसके हिसाब से उसके वर्क हुआ होता है कि इसको यहाँ पे बॉल देना है, यहाँ पे बॉल नहीं देना। आई थिंक वेस्ट इंडियन जो पावर हिटर्स हैं दे आर मोर कंसिस्टेंट देन दी अदर्स इन द वर्ल्ड। उसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस आई थिंक दे कैन हिट सिक्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द विकेट, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। रजाक भाई जब हिटिंग करते थे वो अपना लेग क्लियर करते थे, लेकिन अगर आप उनको ऑफ स्टंप पे बॉल करोगे तो वो कवर में छक्का मार देते थे, पीछे बॉल करोगे कट पे भी छक्का मारते थे। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसको हमारे पावर हिटर्स बहुत निगलेक्ट करते हैं, वो पावर हिटिंग थ्रू दी ऑफ साइड पॉइंट वाली साइड या मिड ऑफ वाली साइड, आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंड वाले ओवर्स में बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग होती है, ऑफ स्टंप के बाहर स्लो बाउंसर्स होते हैं। तो आई थिंक उस चीज़ को जब आप एक ही वन डायमेंशनल पावर हिटर बनोगे, मे बी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़े कंसिस्टेंट हो जाओ, लीग में भी ऑन एंड ऑफ हो जाओ, इंटरनेशनल में काफ़ी मुश्किल हो जाए। अच्छा सुहेब, आप अभी जो PSL हुआ उसमें आप मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं, और जो पहले भी कुछ मैचेस हुए कराची उसमें भी, तो रिजवान जो है आपके कैप्टन थे, एक काफ़ी नई मतलब एक चेंज थी मुल्तान के लिए, पिछले साल शान मसूद थे, इस बार उन्होंने रिजवान को बनाया, आप रिजवान को एज ए कैप्टन और जो उनके अंदर एक चेंज आई है, मतलब कि कोई भी ये नहीं समझता था कि वो T20 क्रिकेट में भी इतने इफेक्टिव हो सकते हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? Well, I think I don't know him much as a captain. अभी तक तो obviously 3-4 मैच में कैप्टनशिप में खेला, मगर एज अ प्लेयर और टीम मैन सब जानते हैं, he's always been a team man, he fights till the end, और वो बहुत ज़्यादा आई थिंक जिस तरह की वो बैटिंग फॉर्म में थे तो अनबिलीवेबल। आई थिंक अगर हमारी बॉलिंग थोड़ी सपोर्ट हमें PSL में करती है, हमारे थोड़े सा बैटिंग भी अगर वो जो हम एंड में आई थिंक मुल्तान सुल्तान भी वहीं पे स्ट्रगल कर रही थी जहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान टीम करती है एंड के 4 ओवरों में, हम उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाते थे कि वो 200 था वो 220-230 नहीं हो पाता था। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज़ टू रिजवान, जिस तरह उसने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग की, तकरीबन पिछले 5-6 महीने से ही वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन वही बात, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन T20 क्रिकेट के, मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट में वो जो कंसोलिडेशन वाला पीरियड होता है वो नहीं होना चाहिए।
अच्छा सुहेब, आपका जो करियर है ओवरऑल उस पर थोड़ी मजीद बात करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आपकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। मुझे याद पड़ता है कि 2016 में आपने एक डबल सेंचुरी की थी 201 बॉल्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में जितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है इंक्लूडिंग टेस्ट मैचेस उसके अंदर वो ज्वाइंट सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है। तो और नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई ऐसा प्लेयर वनडे क्रिकेट में जो कि 500,000 रन्स कर जाए तो वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल जाता है। लेकिन आपके अगर हम उन बैट्समैन को देखें जो पाकिस्तान के नॉन टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उसमें आपके सेकंड हाईएस्ट रन्स हैं वनडे क्रिकेट में आफ्टर इमाद वसीम। तो ये मुझे बताएं कि आपने कभी क्या ये सोचा है कि आपको टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, या कभी पास्ट में जो है वो आपको ये हो कि मैंने टेस्ट क्रिकेटर भी बनना है? अभी शायद इतना दिमाग में नहीं आता, मतलब सीरियसली बोलूंगा, लेकिन जब मैं 2013 में टीम में आया था तो मेरा मेन फोकस था ही वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट। मैं अपने आप को T20 का प्लेयर ऑपरेट ही नहीं करता था। मैं हमें 4 डे का बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। मेरी आई वॉज एवरेजिंग अराउंड 50 एट दैट टाइम इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड इन लिस्ट ए क्रिकेट। तो आई थिंक जब मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए इतना, वो मैंने आपको एक बात बताई ना कि हमारे पाकिस्तान में इट्स वेरी इजी टू से कि वो किसी जो हम एक कल्चर ऐसा बन चुका हुआ था एक टाइम पे कि जो तेज खेलता है वो बस वनडे और T20 का प्लेयर है। आई थिंक उसको दुनिया में कई प्लेयरों ने, वीरेंद्र सहवाग थे, आई थिंक अगर डेविड वार्नर शायद इधर होते तो वो कभी कंसिडर ही ना होते टेस्ट क्रिकेट के लिए एट दैट पॉइंट। तो वो आई थिंक बड़ा टेस्ट क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में मैं जब 4 डे क्रिकेट खेलता था या अभी भी जब खेलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, आप टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, बेहतर प्लेयर हैं, तो रन्स तेज करने के मौके ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली अभी भी जब 4 डे क्रिकेट में जो एक सेंचुरी आप करते हो वो जो आपको सेटिस्फेक्शन और वो जो मज़ा देखने का आता है वो कभी भी T20 की सेंचुरी या वनडे की सेंचुरी देखने का मज़ा नहीं आता। तो उस टाइम पे मैं एक दफ़ा आई वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग इन टू द स्क्वाड इन अगेंस्ट श्रीलंका, आई थिंक 2013 मैं प्रैक्टिस मैच भी खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें मैंने आई थिंक 40 और नॉट आउट किया था जो साइड मैच खेला। आई वॉज क्वाइट क्लोज, मगर शायद उस तरह से मैं वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंटली लंबी एक दो इनिंग्स नहीं खेल सका कि मैं कंसिट्रेशन में आता। अगर मैं शायद उस टाइम पे अगर जब मैंने 70s 80s किए थे एक दो, तो अगर मैं वो सेंचुरियाँ करता तो शायद उस टाइम खेल जाता। तो आई थिंक अगर मैं टेस्ट क्रिकेट खेल जाता तो मैं उस तरह का ही बैट्समैन मेरे ख्याल में रहता जिस तरह का मैं था ना। कि मैंने जो सबसे बड़ी गलती की कि मैंने, अगर मैं नंबर 6 पे खेल रहा था तो मैंने अपने आप को सडन चेंज करने की कोशिश की कि मैं कोई सडन मैं आंद्रे रसल बन जाऊँ या मैं पोलार्ड बन जाऊँ, तो आई थिंक वो फिर मैं ना इधर करा ना उधर करा। मुझे ये बताएं कि अभी जो आगे जो होने लगी है PSL उसमें ऑब्वियसली मुल्तान के साथ खेल रहे होंगे, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि इस अब जिस तरह चेंजेस हुई हैं और वेन्यू भी चेंज हुआ है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है फेवरेट होगी? वेल आई थिंक जो मुझे ऐसा लगता है कि जो दो टीमें नीचे थी उनको जिस तरह के उनके बॉलिंग, दोनों टीमों की बॉलिंग अटैक्स दोनों के, आई थिंक उनको वो दोनों टीमें चाह रही होंगी कि 5 मैच ना हुए होते शायद 3 हुए होते तो उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाता क्योंकि बाकी काफ़ी टीमों का फास्ट बॉलिंग अटैक्स अच्छे। अबू धाबी में आई थिंक क्वेटा, आपको पता है सरफराज हमेशा स्पिनर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, अभी भी उन्होंने, मैं स्क्वाड देख रहा था उन्होंने और स्पिनर ड्राफ्ट इन किए। मुल्तान सुल्तान के पास भी 3 लेग स्पिनर हैं। और आई थिंक बाकी बात आई कराची की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, आई थिंक ऑल टीम्स आर गुड, मगर थोड़ा एडवांटेज आप कह सकते हैं नीचे वाली दो टीमों को हो सकता है। मेरा मुझे लगता है विच वॉज वेरी क्लियर कि ये दो टीमें बाहर हो जाएंगी जो PSL पाकिस्तान में हो रहा था, मुझे मेरी गट फीलिंग है कि इन दो टीमों में से एक टीम टॉप 4 में जाएगा। अच्छा सुहेब, बस आपसे एक दो सवाल और, 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ऑब्वियसली आप उस स्क्वाड का हिस्सा थे, आप पूरा वर्ल्ड कप भी खेले, तो स्पेशली वो जो मैच था क्वार्टर फाइनल उसमें आपने एक अच्छा कैच भी लिया था माइकल क्लार्क का, तो मुझे ये बताएंगे जब वहाब रियाज वो स्पेल कर रहे थे, आप शॉर्ट लेग के ऊपर थे, आप तो काफी क्लोजली उनको देख रहे होंगे, तो उस टाइम क्या जो है टीम का माहौल था, लग रहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा था, मगर जिस तरह दूसरे एंड से आप यकीन करें वो स्मिथ खेल रहा था ना, वो थोड़ा सा मोराल डाउन कर रहा था। आई मीन कोई भी बैट्समैन, मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा था यार, नजर भाई आप यकीन करो वहाब का बॉल ठप्पा खाता था उसके बाद नजर ही नहीं आता था कहाँ गया, इतना तेज निकलता था, सिंगल होता था उधर से स्मिथ सामने आता था तो ऐसे लगता था कि कोई 125 पे बॉल हो रहा है। अब आई डोंट नो वहाब उस पर जोर नहीं लगा रहा था स्मिथ पे या स्मिथ के पास टाइम ही इतना था, तो वो समझ नहीं आया उस टाइम पे। आगे आई थिंक
स्मिथ अगर आउट हो जाता ना तो आई थिंक वो पिच अच्छा था बैटिंग के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कोर बहुत कम किए थे, आई थिंक 270-280 तो उधर मिनिमम होना ही चाहिए था, वो बहुत अच्छा पिच था. तो अगर आई थिंक 260-270 होता तो बड़ा अच्छा मैच हो सकता था. और स्मिथ आई थिंक वो द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स इन दैट गेम. या अगर राहत अली कैच कर लेते तो वो भी शायद पाकिस्तान आ जाता वापस. पता नहीं, ये तो ऑब्वियसली आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम वो मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा ही आवर था वहाँ आपका वाकई का, क्योंकि बहुत आवर्स के बाद वॉटसन जब आउट हुआ था तो जब वो मैक्सवेल खेलने आया था तो वहाँ पर कैसा लग रहा था दोबारा पहला ओवर स्टार्ट हो गया. चले वो आई थिंक शायद वो कहते हैं कि कैचेस विन यू मैचेस, तो वो पाकिस्तान का दिन नहीं था. उससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी सेमीफाइनल में 2011 में भी पाकिस्तान ने काफी कैचेस छोड़ दिए थे. अच्छा सोएब, आपने 2015 वर्ल्ड कप की बात की, ऑब्वियसली आप उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, आप सब मैचेस भी खेले. उसमें इंडिया के साथ भी एक मैच था जो कि पाकिस्तान हार गया, और उससे पहले 2014 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान हार गया. तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुछ बताइएगा कि जब कोई इस तरह का मैच आता है, अंडर प्रेशर मैच हो या प्रेशर ज्यादा हो या खासतौर पर इंडिया वाले जो मैचेस होते हैं उसमें पाकिस्तान की टीम क्यों जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती जिस तरह के पाकिस्तान नॉर्मली परफॉर्म करता है. आई थिंक मुझे हमेशा जो एक चीज लगी है कि जो सबसे बड़ी रीजन लगी है, आई थिंक पाकिस्तानी टीम हो चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हों चाहे हम पाकिस्तानी मैनेजमेंट हो, आई थिंक वो थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट कह लें आप कि इंडिया से मैच है या कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता है कि हम इंडिया से मैच खेलने जा रहे हैं, कि हीरो बन जाएगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई, ऐसा हो जाएगा ये चीज़. और ऑन दी अदर एंड आई थिंक बट आई हैव सीन कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो उस मैच को उतना ही नॉर्मल लेते हैं जैसे एक नॉर्मल मैच होता है. शायद पाकिस्तानी जितने मैं भी टीम में जो 2-3 मैच खेले इंडिया के अगेंस्ट, ऑब्वियसली हम लोग भी यही कोशिश करते थे और लगता था कि इट्स जस्ट अनदर गेम, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में वो एक्साइटमेंट या कह लो जब आप एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं तो आई थिंक तो गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं. तो मुझे लगता था कि जो इंडियन प्लेयर्स थे वो प्रेशर कम लेते हैं पाकिस्तान से मैच. चलें सोहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, काफ़ी मज़ा आया आपसे बातें करने का. आपके ऑब्वियसली जो इंटरेस्टिंग स्टैट्स थे उनके ऊपर हमने बात की. तो ऑल द बेस्ट विद द PSL, होपफुली हम आपको अनकरीब जो है वो PSL के बाद पाकिस्तान टीम में भी देखेंगे. थैंक यू.